बच्चों मैं आपको करा रहा हूँ पी ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जो कल आपका है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ग्रुप 16 का है। आप देख रहे हो कि ग्रुप 16 में से किस में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। बच्चों, वाटर बिल्कुल भी एच नहीं दे पाएगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो ओ एच के बीच में होता है। स्टूडेंट्स, SO2 जो होता है, SO2 के अंदर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है, जिसको वो -2 तक कम कर सकता है और +6 तक बढ़ा भी सकता है। मतलब वो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है, और वो ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, टेम्परेरी ब्लीचिंग करता है। इसका मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। फिर कहते हैं बच्चों कि इसमें से कौन सा सही ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पीरियड में जाके होती है इंक्रीज और ग्रुप में जाके होती है डिक्रीज, लेकिन होते हैं उसमें एक्सेप्शनल केसेस भी। तो जो बेस्ट सूटेड बच्चों इसके अंदर है वो है डी वाला, क्योंकि क्लोरीन की मोर नेगेटिव होती है फ्लोरीन के से, सल्फर की मोर नेगेटिव होती है ऑक्सीजन से, और ग्रुप 16 की जो है वो कम नेगेटिव होती है 17 से। इनमें से कौन सा टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है बच्चों? SF4 की शेप होती है सीसो, वो टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, कौन से परऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फर के। तो पर ऑक्सो एसिड्स मतलब जिसमें ना ये लिंकेज होता है, ये वाला लिंकेज बच्चों याद रखना, H2SO5 में होता है और H2S2O8 में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे वो रिएक्शन पर दो गैशियस प्रोडक्ट्स बनाता है। तो बच्चों वो है जो है वो कार्बन। कार्बन का जब ऑक्सीडेशन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कार्बन को CO2 और SO2 में खुद कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिलेटेड है। H2S गैस पास होती है, बनता है ब्लैक प्रेसिपिटेट जो कि होता है कॉपर का। उसमें जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो वो बनाता है कॉपर नाइट्रेट का ब्लू सोल्यूशन, और उसमें जब अमोनिया ऐड करते हैं तो बनता है ये वाला डीप ब्लू सोल्यूशन। याद रखना, जब अमोनिया रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, हमेशा एग्जाम में आता था। क्लोरीन जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करेगा तो इनमें से क्या बनेगा बेटा? देखो, जब क्लोरीन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करता है तो एक बनता है NaCl, एक बनता है NaCl O3। NaCl O3 को बोलते हैं क्लोरेट और उसको बोलते हैं क्लोराइड। फिर उसके बाद आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 9th में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्लोराइड सॉल्ट में ऐड करेंगे तो बनेंगी कलरलेस फ्यूम्स, वो होती हैं HCl की, लेकिन इन केस ऑफ आयोडीन वायलेट बनती हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो HIs को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? I2। ये सेम चीज़ जो है बच्चों हेलो एल्केन में भी है। क्वेश्चन नंबर 10th को मैं एक अवॉइड डालूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो इसको अवॉइड में रखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन से भी डिलीटेड था। क्वेश्चन नंबर 11th की अगर बच्चों बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं बॉन्ड एंगल्स की, तो बॉन्ड एंगल्स की जहाँ तक बात है बेटा, बॉन्ड एंगल जो है वो शेप के ऊपर डिपेंड करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल मेरे को दिखता है वो दिखता है बच्चों, देखो वैसे क्या होता है, अनायंस का बॉन्ड एंगल जो है ना हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए बच्चों मैं इसके अंदर जो है जो क्लियरली मेरे को दिखता है वो दिखता है बच्चों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के अंदर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ना बॉन्ड एंगल में एक सेंट्रल एटम हो तो फिर वो ज़्यादा भी होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12th की बात करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होने के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, जो कि क्लियरली इसमें दिख रहा है बच्चों। Br कॉन्स्टेंट है, और O2- में अगर आप गिनोगे तो O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, O के टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना, ओ के टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप गिनोगे तो ओ के एटॉमिक नंबर है, तो ओ का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। 8 × 2 करोगे कितना आ गया? 16 − 1, 16 + 1 करोगे तो 17 आ गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 9 × 2 करोगे 18, फिर एक कम करोगे तो 17 आ गया। तो Br कॉन्स्टेंट है, O2- और F2+ के अंदर 17-17 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर क्या है बेटा? जितने ज़्यादा हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिडिक करेक्टर भी होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो है HClO4 में था। फिर उसके बाद आता है कि इन विच केस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये बिल्कुल सही है,
ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी मैंने आपको बताया ऊपर सही है। तो ऑब्वियसली बच्चों इसके अंदर डी का ही ऑप्शन आ रहा है, इसमें HClO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट? तो बच्चों देखो इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है ना सी, ये गलत है, क्योंकि ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है ना वो जब भी जुड़ेंगे तो उसको फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन बोला जाएगा, आइड उसके आगे लगाया जाता है जो ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव होता है। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड बार्लेट हैड टेकन दिस एज अ बेस कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन और ज़ेनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है सेम। 17 क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है टू टाइप्स ऑफ एफ एफ एंगल्स, देखो बच्चों ये टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई दो तरह के एंगल नहीं होते, ये स्क्वायर पिलर है, सारे एंगल 90 के होते हैं। ये जो है ना SF6 है, सारे एंगल अगेन 90 के ही हैं। SF4 में दो तरह के एंगल्स होते हैं, क्योंकि SF4 की शेप ना कुछ ऐसे बनती है, देखो सीसॉ शेप होती है, तो इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं, एक 90 और एक 120। 18 की अगर बात करें बच्चों, तो 18 में बोलते हैं कि XCF6 की शेप जो है वो कैसी है बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है।